हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल आई एम यामिनी उसी के साथ में पंद्रहसेप्ट को भी उन्हीं क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने धमाकेदार सेशन के साथ में पंद्रह सवाल और 15 ही कंसेप्ट के साथ में तो चलिए स्टार्ट करते हैं

ये बताइए कि इननेट इम्यूनिटी क्या होती है सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है इननेट इम्यूनिटी का जो इम्यूनिटी हमारी बाय बर्थ मौजूद होती है बचपन से मौजूद होती है उस इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं हमारी इननेट इम्यूनिटी कितने बैरियर्स होते हैं इसमें चार बैरियर्स जो है ये डिस्प्ले करती है इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो बैरियर्स जो है वो पूछे गए हैं चार बैरियर्स कौन से होते हैं जरा उनके नाम बता देते हैं सबसे पहले फिजिकल फिजोलॉजिकल Barriers, है ना? अब ये जो इननेट इम्यूनिटी होती, होती है सारे ही चाहिए हमें क्या पता तो हमने सबके लिए एक कॉमन रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं थ्रू द इननेट इम्यूनिटी मतलब उनको आने नहीं देना आने हैं तो उनको मार देना है बस ये दो रिस्पॉन्स जनरेट किए जाते हैं तो दो बैरियर्स फिजिकल बैरियर्स अगर हम बात करें उसमें क्या है म्यूकस कोटिंग ऑफ दिलियम लाइनिंग जिकल बैरियर जैसे कि हमारी स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ को नहीं होने देता है हमारे मुंह के अंदर सलाइवा माइक्रोब को ट्रैप करके बाहर फेंक देता है, है ना

हाई टेंपरेचर तो काफी सारी बीमारियों में देखा जाता है इन तीनों में ही देखा जाता है तो हमें कौन सा सिम्टम बताएगा वो आइडेंटिफाइंग सिम्टम क्या होगा जो कि ये बताएगा कि क्या वो टाइफाइड से पीड़ित है निमोनिया से है या फिर मलेरिया से है तो जान लेते हैं इफ द पर्सन हैज सस्टेंड हाई फीवर कंटीन्यूअसली हाई फीवर है ये नहीं है कि आ रहा है जा रहा है कंटीन्यूअसली जो है फीवर मौजूद है है, स्टमक पेन है कॉन्स्टिपेशन है है, लॉस ऑफ एपेटाइट है बैलेंस कर दिया है, वही है, है, अगर फीवर चिल्स कफ है लिप्स और फिंगर रिल्स ग्रे हो गए हैं तो वो हमारा निमोनिया हो गया और वहीं जो चिल्स और फीवर हमारा हर तीसरे दिन आ रहा है लगातार नहीं है हर तीसरे दिन आ रहा है तो वो हमारा क्या है मलेरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स बिटवीन निमोनिया एंड मलेरिया तीनों के अंदर में फीवर तो होता ही है तो कैसा फीवर किस टाइप में होता है और वो कौन सा जो है डिजीज सिग्निफाई करता है हमने वो बताना है तो वो हमने जो है देख लिया नेक्स्ट क्वेश्चन द इविल क्वार्टेट थर्ड कंसेप्ट हमारा आ गया इविल क्वार्टेट जो है रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन दिखाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज

क्या होगा वो बड़े वाले जगह पे रहने के आदि हैं अलग अलग में टूट गया अलग अलग अडाप्टेशन हो गई क्या वो उसके अंदर सर्वाइव कर पाएंगे नहीं तो वेन लार्ज हैबिटेट इज ब्रोकन डाउन स्मॉल ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज जो मैमल्स हैं बर्ड्स हैं जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए एनिमल्स चाहिए जिनको लार्ज टेरिटरीज चाहिए वो क्या होगा दे आर बैडली अफेक्टेड एंड इट लीड्स टू डिक्लाइन इन पॉपुलेशन तीसरा कंसेप्ट क्लियर हुआ तीसरा कंसेप्ट क्लियर हुआ या फिर नहीं फटाफट से बताओ तीसरा कंसेप्ट क्लियर हुआ हां जी मैम बिल्कुल क्लियर हो गया ठीक है अगले पे चलते हैं अजीन एम वॉज इंट्रोड्यूस इन टू दीबीआर थ्री टू टू एट दैम एच वन साइट पीबीआर थ्री टू टू का अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो उसमें बैम एच वन साइट पे एक जीन एम आ गया है क्या वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट में था या फिर रेजिस्टेंट में था अभी देख लेते हैं चौथा तो कंसेप्ट और चौथा क्वेश्चन है आया है आपके आगे ट -recombinant recombinant -recombinant से रिकॉम्बिनेंट recombinant को डिफरेंशियट करेंगे कैसे करेंगे देख लेते हैं तो बैच वन साइट जो है हमारी टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर होती है वहां पे हमने एक फॉरेन जीन डाल दिया तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी भी चली जाती है सो दिस इज नोन एज व्हाट दिस इज नोन एज इनएक्टिवेशन ऑफ द रेजिस्टेंट जीन एंड दिस फिनोमेना इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इस फिनोमेना को इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है ना यही बुलाते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन सो रिकॉम्बिनेंट्स दे कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कैसे जिसके अंदर वो जीन गया है वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो ही नहीं कर पाएगा और जिसके अंदर वो जीन नहीं गया है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वो टेट्रासाइक्लिन कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कर जाएगा क्योंकि उसके अंदर वो वाला जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है समझ आया समझ आ गया है सबको समझ आ गया सबको बिल्कुल समझ आ गया अगले पे चलते हैं बिसाइड्स बेटर एरेशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज व्हाट अदर एडवांटेजेस टू टैंक बायोリアक्टर्स हैव ओवर शेक फ्लास्क अब हमें ये पता है कि जो शेक फ्लास्क होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी बनाते हैं वो क्या बनाते हैं बच्चों स्मॉल क्वांटिटीज बनाते हैं ऑफ द प्रोडक्ट्स वहीं जो स्टर्ड वाले टैंक होते हैं बायो रिएक्टर्स होते हैं सौ से हजार लीटर वाले बड़े बड़े टैंक होते हैं वो क्या करते हैं क्या करते हैं वो वो बड़ी मात्रा में जो है हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो शेक फ्लास्क दे आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स एंड मिक्सिंग दी डिजायर्ड मटेरियल्स ऑन स्मॉल स्केल छोटे लेवल पे करते हैं पर जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए होती है उसके लिए क्या चाहिए होते हैं हमें स्टर्ड टैंक तो एरेशन के अलावा और क्या होता है इसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है फोम कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल पीएच कंट्रोल सारे ही सिस्टम होते हैं हमें कुछ नहीं करना सिर्फ रॉ मटेरियल डाल देना है सब कुछ ही आपस में खुद ही कंट्रोल हो जाएगा स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर इट कैन बी विड्रॉन बीच बीच में हम लोग देख भी सकते हैं कि हाँ जो हमने कल्चर डाला है क्या वो हमारी सही दिशा में जा रहा है बनने की क्या वो प्रोडक्ट सही बन रहा है तो हम बीच बीच में निकाल के भी देख सकते हैं तो ये जो है हमारे एडवांटेजेस है नेक्स्ट व्हाट डू इको आर एंड वन रेफर टू इन दी एंजाइम इको आर वन जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारी आर वन होती है इसमें इन सब का मतलब क्या है इन सब का मतलब क्या है फटाफट से बता दो मैंने बताया था ना अपनी क्लास में so, e refers to the species. तो ई को रेफर्स टू दीश सबसे पहले ई e जो होता है बेसिकली हमारा क्या होगा जीनस से एक्सट्रैक्टेड है को क्या है हमारी स्पीशीज है आर क्या है हमारा आर है हमारा पर्टिकुलर स्ट्रेन और वन जो है जो रोमन न्यूमरल के अंदर है इट इज दर

बायो प्रोसेस और केमिकल इंजीनियरिंग दोनों पे ही काम करेगा ये और में आ जाएगा ठीक है ये किस में आ जाएगा और में आ जाएगा हटा देती हूँ ये ठीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज द मैन्युपुलेशन ऑफ दी जीन विच इज दी बच्चों मैन्युपुलेशन ऑफ जीन यही हुआ ना हमारा मैन्युपुलेशन ऑफ द जीन जीन के अंदर जब हमने चेंजेस करे दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग मेंटेनेंस ऑफ दी स्टेराइल कंडीशन इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में स्टेराइल कंडीशन कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट होना कितना जरूरी है उसी को मेंटेन करने के लिए क्या बोलते हैं बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग बोलते हैं उसी के मेंटेनेंस को आ गया हमारा आठवां कांसेप्ट और आठवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेम दी रीजंस ए बी एंड सी ए क्या है ए ये रहा बी कहाँ है बी ये रहा और सी कहाँ है सी हमारा ये रहा सॉरी ये तो बी है ये हमारा सी आ गया तो ए बी सी जो है हमने बताना है क्या है ए बी सी ए है हमारा बैमेच्वन बी है पीएसटी वन और सी है एमपीसेलिन रेजिस्टेंट जीन

सेपरेट किया जाता है फिर आता है अनिलिंग प्राइमर्स को ऐड किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पर फिर एक्सटेंशन जो डीएनए पॉलीमरेज है वो फैसिलिटेट करता है एक्सटेंशन ऑफ दी स्ट्रैंड्स एम आई क्लियर एम आई क्लियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट पे हाउ आर कंपिटेंट सेल्स प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हमें ये पता है कि जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया मैनिपुलेट करके हमने डीएनए बनाया जिसके अंदर हमारे डिजायरेबल प्रोडक्ट्स आएंगे हम होस्ट को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो होस्ट को भी तो कम्पिटेंट होना चाहिए तो दी है ना होस्ट को कम्पिटेंट बनाना पड़ता है कैसे बनाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड से

पेटेंट ऑन बासमती है कि इंडिया की बासमती राइस की पेटेंसी जो है अमेरिकन कंपनी ने करवा ली थी क्योंकि इंडियंस दे हैड लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इवन नाउ दे आर लैकिंग इन अवेयरनेस फ्रॉम ऑल दी डेवलप्ड कंट्रीज राइट सो डेवलप्ड कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज के रिसोर्सेस को चोरी करके अपने नाम पे, पे पेटेंट करवा लेती है जैसे कि बासमती के साथ किया था दो लाख वरायटी जो है इंडिया के अंदर होती है तो so इसमें जो है सारी वरायटी तो इंडिया के अंदर ग्रो कर रही है सो दराइटी ऑफ बासमतीराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वराइटी तो इसलिए जो है ये अमेरिकन कंपनी को पेटेंट नहीं करवाना चाहिए था इसको नहीं करवाना चाहिए था अमेरिकन कंपनी को पेटेंट नहीं करवाना चाहिए था क्योंकि जब इंडिया के अंदर ग्रो हो रही है तो अमेरिकन कंपनी का कोई मतलब नहीं बनता बट इंडियंस ड्यू वो काफी चीजों में लैक कर जाते हैं इवन आज भी डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के काफी सारे रिसोर्सेज लेके अपने नाम पे पेटेंट करवा लेती है एक्सप्लेन दिंसिपल इन्वॉल्व इन एलाइजा एनजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है ना एलाइजा क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करता है इट एन एंजाइम इज ऑलवेज एंटीजन और एंटीबॉडी को जो है वो लेबल कर लेते हैं या तो एंटीजन को या फिर एंटीबॉडी को फिर उसके अंदर जो एंजाइम डालते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर किया जाता है किसकी वजह से कैलोरो की वजह से यूजिंग अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम तो आफ्टर द द द सबस्ट्रेट एडिशन लाइट इज बाय प्रोडक्ट फॉर्म एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन दू रिक वैल्यूज एलाइज़ा का पहले तो फुल फॉर्म बताओ एंजाइम लिंक्ड मतलब एंजाइम से लिंक्ड है ये इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है ना एंजाइम से लिंक्ड है हमारा ये इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ठीक है सो so, इसमें क्या होता है एंटीजन या एंटीबॉडी जो है वो डाली जाती है जो भी हमारी बॉडी में अगर एंटीबॉडी मौजूद है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीजन डाला जाएगा उसके बाद में एंजाइम डाला जाएगा जो कि क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट उसके ऊपर डाला जाएगा फिर कलर जो है हमें बताएगा कि क्या जो है रिएक्शन हो रहा है माइकोराइजा माइकोराइजा पंजाए पंजाए विद 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 द द द द रूट ऑफ ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन रूट्स हायर प्लांट्स इट इज नोन एज पंजाई क्या बेनिफिट देती है प्लांट्स को बेसिकली इट इज अ सिम्बायोटिक इंटरेक्शन मतलब म्यूचुअलिज्म होता है दोनों ही स्पीशीज को दोनों ही स्पीशीज को एक दूसरे से फायदा होता है बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स एंड द फंगस रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स हायर प्लांट्स फंगस को क्या प्रोवाइड करेगा फूड एंड शेल्टर फंगस जो है फॉस्फोरस ला के देता है सॉइल में से और वो प्लांट को देता है अपार्ट फ्रॉम दैट उनको जो है डिजीज रेजिस्टेंट बनाता है रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस बनाता है ठीक है

प्लाज्मोडियम रहता है लिवर में इरेथ्रोसाइट्स में सारे के सारे हमारे अंदर रहते हैं और हमें वीकन करते हैं तो ये थे हमारे पंद्रह सवाल के साथ साथ में पंद्रह कंसेप्ट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना मैं ऐसी वीडियोस और लाऊंगी पंद्रह सवाल थे कल को बीस सवाल बीस कंसेप्ट जो है लेके आऊंगी बाकी 12th के बैचेस चल चल रहे हैं कोर्स बैच शाम में पांच बजे और सुबह दस बजे चल रहा है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन तो जुड़ना नहीं भूलना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल के साथ रोजाना दस बजे सुबह और शाम में पांच बजे बायोलॉजी की ट्वेल्थ की धमाकेदार प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एंड टेक केयर एवरीवान